इंदौर जिले के कलेक्टर मनीष सिंह आज फिर से रौद्र रूप में दिखे। हालांकि इंदौर जिले के कलेक्टर काफ़ी समय से कोशिश करते आ रहे हैं कि किसी भी प्रकार से इंदौर जिले का जितना भी काम है और इंदौर का जो संकुल कार्यालय है वहां से किसी को निराश होकर ना लौटना पड़े। उसी के बाद आज जो है इंदौर जिला कलेक्टर ने तहसील कार्यालय, लोक सेवा केंद्र और उसी के साथ साथ पंजीयन कार्यालय का दौरा किया। काफ़ी समय से शिकायतों का दौर वहाँ से जारी था और शिकायतें लगातार इंदौर जिला कलेक्टर मनीष सिंह को मिल रही थी। उसके बाद दौरे में कई अनियमितताएँ देखने को मिली, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना वहाँ करते हुए जब इंदौर जिले के कलेक्टर ने देखा तो उन्होंने सीधे जितने भी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनको चेतावनी दी है कि यह पहली बार नहीं, आखिरी बार नहीं। मेरा जो कहना है साफ है कि आप जितने भी लोग यहाँ पर आएँ सभी को यहाँ से जितना भी काम है उनका काम होने के बाद ही उनको यहाँ से भेजा जाए। काफ़ी लोग वहाँ पर परेशान होते दिखे, कई लोगों ने शिकायतें भी की और अभी फ़िलहाल देखा जा रहा है कि लोक सेवा केंद्र जो है वहाँ पर काफ़ी भीड़ भरा माहौल लगातार देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्कूल चालू हो चुके हैं, कॉलेज जितने भी हैं चालू हो चुके हैं और कई विद्यार्थी वहाँ पर परेशान होते नज़र आ रहे हैं। उसी के साथ जब यहाँ पर उनका दौरा शुरू हुआ और जब पंजीयन कार्यालय में जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लोगों को परेशान होते देखा और वहाँ जिस प्रकार से अनियमितताएँ मिली उसमें वहाँ के एक जो महिला कर्मचारी है उनको निलंबित किया गया है। उसी के साथ जो वहाँ के एक पुरुष कर्मचारी है उनको शोकाज नोटिस दिया है और लगातार जो है वहाँ के काम में सुधार की चेतावनी दी है। काफ़ी समय बाद इंदौर जिला कलेक्टर का रौद्र रूप फिर से देखने को मिला है। हालांकि इसके पहले भी कई बार इंदौर जिले के कलेक्टर ने वहां पर दौरा किया है और लोगों को समझाया है कि जितने भी व्यक्ति यहां पर काम करने आते हैं हमें उनका काम समय पर पूरा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं धीरे धीरे फिर वापस उसी ढर्रे पर प्रशासनिक संकुल चलना शुरू कर देता है जिस तरीके से वहाँ लोग परेशान होते हैं। आज इंदौर जिले के कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि अब यहाँ पर किसी प्रकार की अनियमितताएँ नहीं चलेगी, लगातार जो लोग आ रहे हैं उनके काम आपको जल्द से जल्द पूरे करना है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट। एमपी की नब्ज़, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।